अमोदिता अपने कदम युग के कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आज मेरे और युग जी के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं आज युग जी के साथ वो सब करके ही दम भरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता अपने कदम युग के कमरे की ओर बढ़ाने लग जाती है। जब वो युग के कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि युग गहरी नींद में बेड के ऊपर पीठ के बल सो रहा था। अमोदिता युग के पास जाते हुए कहती है, अरे युग जी तो अभी तक सो रहे हैं। अभी मनु ने तो बताया था युग जी 3-4 घंटे से सो रहे हैं। उस हिसाब से तो युग जी को अभी तक उठ जाना चाहिए था। आखिर रात में इन्होंने ऐसा क्या कर लिया जो इन्हें इतनी नींद आ रही है? अमोदिता युग का चेहरा देखते हुए कहती है, युग जी को उठा दूं क्या? उठाऊं या नहीं उठाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? उठेंगे तभी तो वो मेरे साथ वो करेंगे, पर ऐसे उठाना ठीक नहीं होगा। कितने प्यार से सो रहे, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा युग जी को उठाने का। एक काम करती हूँ, यहीं पर बैठी रहती हूँ। जब युग जी उठेंगे और आंखें खोलते ही सबसे पहले मुझे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और खुशी के मारे सीधे मुझे गले लगा लेंगे। इतना सोचकर अमोदिता शर्माने लग जाती है और युग के बिस्तर के पास ही जगह बनाकर बैठ जाती है। अमोदिता युग को सोते हुए देखने लग जाती है और उसके जगने का इंतजार करने लग जाती है। इंतजार करते करते ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं, पर युग की नींद अभी तक नहीं खुली थी। अमोदिता उबासी लेते हुए कहती है, ये युग जी तो उठ ही नहीं रहे, अब क्या करूं मैं? मैं तो बोर हो गई, मेरे मोबाइल में तो बैटरी भी नहीं है कि फेसबुक ही चला लूं। अब करूं तो क्या करूं मैं? इतना कहकर अमोदिता अपनी नजरें युग के कमरे के चारों ओर घुमाने लग जाती है। अमोदिता सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसकी नजर युग के कमरे के अंदर रखे टेबल पर पड़ती है जिसके ऊपर टाइपराइटर रखा हुआ था। अमोदिता टाइपराइटर को देखते हुए कहती है, अरे ये टाइपराइटर किसका है? इतना कहकर अमोदिता बिस्तर पर से उठती है और टेबल के पास रखी कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अमोदिता टाइपराइटर को देखते हुए कहती है, ये टाइपराइटर तो बहुत पुराना लग रहा है, पर ये आया कहाँ से? पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तब तो ये टाइपराइटर यहाँ पर नहीं था। कहीं युग जी ने इसे किसी कबाड़ी से तो नहीं खरीदा? ये युग जी बिना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लगता है इन्हें एंटीक चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है। पर देखना, शादी के बाद मैं सब कुछ बदल दूंगी, ऐसे फिजूल खर्चे नहीं करने दूंगी उन्हें। अमोदिता ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र टेबल पर फैले कागजों पर पड़ती है जिस पर हाथों से कुछ लिखा हुआ था। वहीं पर एक पेन और चश्मा भी रखा हुआ था। अमोदिता उन कागजों को हाथ लगाते हुए कहती है, इसमें तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में लिखा है कि शुरुआत कैसे करनी है, कौन कौन सी फसलें लगानी है, पर इसमें ये सब क्यों लिखा है युग जी ने? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, याद आया, मैं तो भूल ही गई थी, युग जी ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप करने ही तो आए हैं यहाँ पर, तो खेती के प्लान्स के बारे में तो लिखेंगे ही ना, मुझे लव लेटर थोड़ी लिखेंगे, मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। इतना कहकर अमोदिता टेबल पर ही रखे चश्मे को उठाकर पहनते हुए कहती है, अरे ये चश्मा तो और भी पुराना लग रहा है, जरा लगाकर देखूं तो कैसा लगता है मुझ पर? अमोदिता अपना मोबाइल निकालती है और उसमें अपना चेहरा देखते हुए कहती है, मैं तो पूरी माँ की तरह लग रही हूँ। लगूंगी भी क्यों नहीं, आखिर मैं सौदाइन जो हूँ, मेरे अंदर उन्हीं के गुण तो हैं, पर समझ नहीं आता ये युग जी इतना पुराना चश्मा क्यों पहनते हैं, इन्हें तो अपने लिए नया चश्मा ले लेना चाहिए। यही सब बड़बड़ाते हुए अपना चेहरा मोबाइल में देखते हुए अमोदिता अपनी लटों को संवार ही रही थी कि तभी उसे मोबाइल के अंदर एक काला साया दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी जान हलक में आ जाती है। अमोदिता खुद से कहती है, ये साया किसका था? इतना कहकर अमोदिता पीछे मुड़ने लग जाती है, पर जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां सिवाय युग के और कोई नहीं था, जो कि गहरी नींद में सो रहा था। अमोदिता झट से वो चश्मा उतार कर टेबल पर रखते हुए कहती है, इस चश्मे में तो कुछ भी दिखाई देता है, जो चीज़ नहीं है वो भी पता नहीं युग जी कैसे पहन लेते हैं। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। अमोदिता कदमों की आहट सुनते हुए कहती है, लो आ गए युग जी के दोस्त, इनको भी अभी ही आना था। एक काम करती हूँ, कुछ भी बहाना करके इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल देती हूँ, आखिर तभी तो मैं युग जी के साथ वो सब कुछ कर पाऊंगी जब ग्रेवयार्ड कोठी में कोई होगा नहीं। यही सब सोचते हुए अमोदिता कुर्सी पर से उठती है और युग के कमरे से बाहर जाने लगती है। अभी अमोदिता ने युग के कमरे की दहलीज पार की ही थी कि तभी उसे एक औरत के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। तूने अच्छा नहीं किया अमोदिता, तूने अच्छा नहीं किया। औरत की आवाज सुनकर अमोदिता का दिल दहक जाता है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है कि यक्षिणी यहाँ पर भी आ गई क्या फिर से, लगता है ये आज मुझे नहीं छोड़ने वाली। औरत के हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। औरत की आवाज सुनकर अमोदिता इतना डर गई थी कि सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही थी।
पर वो भी आखिर एक सौदाइन थी। वो बड़ी हिम्मत करके बोलती है, क्या अच्छा नहीं किया मैंने, और ये क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है, पर कुछ ही देर बाद जब अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाने वाली होती है, तभी फिर किसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। तू जानना चाहती है कौन हूं मैं? तो सुन, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यह आवाज सुनकर अमोदिता की रूह कांप उठती है और उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी के हंसने की आवाजें गूंजने लग जाती है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, क्या क्या कहा तुमने? यक्षिणी? यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है। हाँ, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। तूने युग पर टोना करके ठीक नहीं किया अमोदिता, अब उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, सजा? कैसी सजा? अमोदिता जवाब का इंतजार करने लग जाती है, पर कोई जवाब नहीं आता है। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये यक्षिणी मेरे साथ अब क्या करने वाली है, ये मुझे क्या सजा देने वाली है? मैं तो अपने साथ राई भी नहीं लाई जिससे ये यक्षिणी डरती है, और मैं तो वो मंत्र भी भूल गई जो माँ ने मुझे बताया था। अब मैं क्या करूँ? मुझे बचा लो भगवान, आज के बाद कभी जादू टोना नहीं करूंगी पक्का, माँ के कारण फंस गई मैं। अमोदिता भगवान से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी जांघों को कोई छू रहा है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो यक्षिणी? मैं कोई मर्द नहीं हूं जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, मैं अंदर से औरत ही हूं। अमोदिता को एहसास होता है कि पहले तो कोई बड़े ही प्यार से उसकी जांघों को सहला रहा था, पर देखते ही देखते कोई अदृश्य शक्ति उसकी जांघों को अपने बाजुओं की पूरी ताकत से मसलने लग जाती है। अमोदिता दर्द से कराते हुए कहती है, नहीं यक्षिणी, आह मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। अमोदिता दर्द से कराहे जा रही थी, पर वो अदृश्य शक्ति उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमोदिता को महसूस होता है कि पहले तो वो अदृश्य शक्ति उसकी जांघों को मसल रही थी, पर देखते ही देखते वो अदृश्य शक्ति उसकी जांघों से उसके बदन के ऊपर के हिस्से की ओर अपना हाथ बढ़ाने लग जाती है। हाथ बढ़ाते बढ़ाते ही वो उसके वक्ष तक पहुंच गई थी। अमोदिता चीखती है, नहीं यक्षिणी रुक जाओ, ये सब मत करो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं तुम्हारी शिकार नहीं बनना चाहती। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उसने जो कुर्ती पैजामा पहनी हुई थी उसके पैजामे का नाड़ा अपने आप खुलने लग जाता है। अमोदिता की कराहने की आवाज के साथ उसके आंसू भी निकलने लग जाते हैं। अमोदिता रोते हुए कहती है, रुक जाओ यक्षिणी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, मुझे अपना शिकार मत बनाओ, मैं युग जी पर अब कभी अपने डोरे नहीं डालूंगी, उनसे दूर ही रहूंगी, छोड़ दो मुझे। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसका पैजामा अपने आप नीचे हो जाता है, उसकी नग्न टांगे दिखने लग जाती है जो किसी पगडंडी की तरह हिले जा रही थी। अमोदिता को एहसास होने लग जाता है कि कोई उसकी कुर्ती को ऊपर उठा रहा है, उस कुर्ती को उसके बदन से निकालने की कोशिश कर रहा है। अमोदिता अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस अदृश्य शक्ति को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। अमोदिता रोते हुए कहती है, यक्षिणी ये सब गलत है, मैं भी एक स्त्री ही हूँ और तुम भी, एक स्त्री होकर तुम दूसरे स्त्री के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं वादा करती हूँ कि युग जी से दूर रहूंगी, उनके पास कभी नहीं भटकूंगी। अमोदिता ने अपने दोनों हाथों से अपनी कुर्ती को कसकर पकड़कर रखा हुआ था, तभी उसे एहसास होता है कि जैसे उस अदृश्य शक्ति ने उसकी कुर्ती को छोड़ दिया हो। अमोदिता अपनी सलवार को वहीं पर फर्श पर पड़ा रहने देती है और वहां से भागने लग जाती है। उस वक्त अमोदिता को ग्रेवार्ड कोठी से बाहर जाना ही ठीक लगता है, वो वहां से भागने लग जाती है। अमोदिता भागते भागते अभी सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी सीढ़ियां उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गुलाटी खाते हुए सीढ़ियों से गिरने लग जाती है। फर्श पर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। 2 घंटे बाद अमोदिता बेहोश पड़ी हुई थी। जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने युग का चेहरा था जो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। अमोदिता लेटे लेटे ही अपने आसपास नजरें घुमाने लगती है और देखती है कि इस वक्त वो युग के कमरे में उसके बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी। अमोदिता होश में आते हुए कहती है, युग जी आप? युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, तुम ठीक तो हो ना अमोदिता? अमोदिता कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसे याद आता है कि यक्षिणी ने उसकी सलवार उतार दी थी। वो झट से अपनी नजरें अपने पैरों की तरफ घुमाती है और देखती है कि उसने सलवार पहनी हुई थी। उसके लेफ्ट पैर में मोच आई थी जिस पर युग ने कॉटन की क्रेप बैंडेज लपेट दी थी, जिस कारण उसका लेफ्ट पैर पूरी तरह से कवर हो गया था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, मेरी सलवार तो यक्षिणी ने उतार दी थी, फिर ये मेरे बदन पर कैसे?
युग अमोदिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि वो क्या सोच रही थी। युग अमोदिता से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, वो अमोदिता तुम्हें सलवार मैंने पहनाई है, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने कुछ देखा नहीं सलवार पहनाते हुए, मैंने अपनी नजरें फेर ली थी कसम से, पापा की कसम। अमोदिता धीरे से बड़बड़ाती है, मरे हुए लोगों की कसम कौन खाता है युग जी, खाना है तो अपनी माँ की कसम खाइए ना, ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ मैं आपका, आपने कुछ तो देखा होगा, आखिर आप भी एक मर्द ही तो हैं। युग अमोदिता की बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपने मन में चल रहे सवाल उससे पूछने लग जाता है, अमोदिता तुम सीढ़ियों से गिर कैसे गई और तुमने अपनी सलवार क्यों उतार दी थी मेरे कमरे के बाहर, वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई थी और सही टाइम पर मैं आ गया, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं युग जी को कैसे बताऊं कि ये सब यक्षिणी ने मेरे साथ किया, अगर ये बता दूं तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि यक्षिणी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया था। अमोदिता युग के सवाल का जब कुछ जवाब नहीं देती तो युग फिर उससे उस पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अमोदिता मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर ये सब क्या था, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अमोदिता बात को दबाते हुए कहती है, युग जी इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस ये समझिए कि ये लड़कियों वाली प्रॉब्लम है जो आपको बताने ठीक नहीं है। अमोदिता बात को बदलते हुए कहती है, ये सब छोड़िए तो फिर हम वो करें। अमोदिता के मन में यक्षिणी के लिए डर तो था, पर युग को अकेले में देखकर उसके अंदर की वासना जग गई थी। एक पल के लिए वो यक्षिणी को भूल गई थी और वो युग के साथ संभोग करना चाहती थी। युग को अमोदिता की बात समझ नहीं आती, इसलिए वो मुंह बनाते हुए कहता है, वो करें मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो। अरे वही जो उस दिन आप मेरे घर में करने आए थे, हम दोनों झोपड़ी के अंदर करने ही वाले थे कि तभी वहां पर पापा और बल्लू काका आ गए थे, याद आया कुछ आपको। युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, क्या करने वाले थे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा इस बारे में। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी को क्या हो गया, कहीं उस यक्षिणी ने युग जी पर किया गया मेरा टोना भी तो नहीं तोड़ दिया है। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, भला एक स्वादाइन का टोना तोड़ने की किसमें हिम्मत है, पर फिर युग जी को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अमोदिता युग को फिर बीती यादें याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे युग जी याद कीजिए ना, कल दिन भर आपने और मैंने बात की थी और फिर आप शाम को मुझसे मिलने के लिए हवेली भी तो आने वाले थे, पर फिर आप आए क्यों नहीं। अभिमन्यु बता रहा था कि आप मुझसे मिलने के लिए निकले तो थे, पर रोंकामुचा घाट पर ही सारी रात रुक गए थे, आखिर आप वहां पर क्या कर रहे थे। युग रात की बात याद करते हुए कहता है, मैं तुमसे कहाँ मिलने आने वाला था, मैं तो मछली लेने गया था और वहीं पर मुझे यामिनी। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु की आवाज़ सुनाई देती है, अरे अमोदिता ये तुम्हें क्या हो गया। जब युग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि दरवाजे की दहलीज पर अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जो अमोदिता को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो गया था। अभिमन्यु अपने कदम अमोदिता के पास बढ़ाते हुए कहता है, ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी अमोदिता, आखिर ये सब हुआ कैसे। अमोदिता बहाने बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं अभिमन्यु, मेरा बस पैर फिसल गया था सीढ़ियों पर, ये तो मोच आ गई। अभिमन्यु सहानुभूति देते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। युग अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु तू कहाँ चले गया था मुझे बिना बताए। अभिमन्यु जवाब देता है, अरे काम से गया था रोंकामुचा गांव, तू सो रहा था इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। युग झट से पूछता है, किस काम से। अमोदिता भी अभिमन्यु का जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि उसे भी जानना था कि आखिर अभिमन्यु रोंकामुचा गांव क्यों गया था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अमोदिता भी अभिमन्यु का जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि उसे भी जानना था कि आखिर अभिमन्यु रोंकामुचा गांव क्यों गया था। अभिमन्यु अमोदिता की तरफ देखते हुए बात को दबाते हुए कहता है, अरे बताता हूँ ना बाद में, युग इतनी भी जल्दी क्या है। युग अभिमन्यु का चेहरा देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ ऐसी बात थी जो अभिमन्यु अमोदिता के सामने नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो भी अभिमन्यु को फोर्स नहीं करता है और बात को बदलने के लिए अगला सवाल उस पर दाग देता है। चल ठीक है, पर ये तो बता दे कायर और कछुआ कहाँ चले गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे जब से उठाऊं। अभिमन्यु जवाब देता है, अरे वो कल वांगला त्योहार है ना,
तो रात में डांस भी होना है, तो उसी के लिए कपड़े लेने गए हैं। उसका भी एक अलग से ड्रेस कोड होता है ना डांस करने के लिए। अभिमन्यु और युग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अमोदिता की नजर कमरे के अंदर लगी घड़ी पर पड़ती है और वो बौखलाहट के साथ बोल पड़ती है, अरे 6 बज गए, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा युग जी, अब मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे अमोदिता तुम ऐसे कैसे जाओगी, मेरी बात मानो तो तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, मामी जी से मैं बात कर लूंगा। अमोदिता का मन तो चाह रहा था कि वो रात में वहीं पर रुक जाए और रात में ही युग के साथ वो सब कर ले, पर तभी उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आता है और वो समझ जाती है रात में ग्रेवयार्ड कोठी में रुकना खतरे से खाली नहीं है। कहीं रात में यक्षिणी ने उसे अपना शिकार बना लिया तो इसी डर से अमोदिता युग को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं युग जी, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मेरे पैर में ज्यादा चोट नहीं आई है, हल्की सी मोच है बस, मैं चल सकती हूँ। युग को लगता है कि अमोदिता लड़कों के बीच में रहने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, इसलिए वो अमोदिता की बात से सहमत होते हुए कहता है, ठीक है तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अमोदिता फिर युग को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं युग जी, मैं खुद चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ करते हैं। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है कि अमोदिता को क्या हो गया अचानक से, वैसे तो ये युग के साथ वक्त बिताने के लिए मरी जाती है और अब देखो एकदम से कैसे बदल गई, आखिर बात क्या है। अभिमन्यु झट से अमोदिता से कहता है, अगर युग नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें अमोदिता, तुम ऐसे कैसे नदी पार करोगी अकेले, कोई ना कोई सहारा देने वाला होना चाहिए ना। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अगर ये अभिमन्यु मेरे साथ चला तो ये अपनी चालाकी भरे सवालों से मेरे मुंह से सारी बात उगला लेगा कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ था, इसलिए अकेले जाना ही ठीक रहेगा। अमोदिता पहले गुस्से से फिर शांत होते हुए कहती है, मैं अकेले चली जाऊंगी अभिमन्यु, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु और युग कुछ बोल पाते उससे पहले ही अमोदिता बिस्तर पर से आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग जाती है। अमोदिता को बिस्तर पर से उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, पर जैसे तैसे वो उतर जाती है। अमोदिता वहां से लंगड़ाते लंगड़ाते जाने लग जाती है। युग एक बार फिर अमोदिता को रोकते हुए कहता है, तुम अकेले चली तो जाओगी ना अमोदिता। अमोदिता बिना रुके अपने कदम दरवाजे की दहलीज के बाहर बढ़ाते हुए कहती है, हाँ युग जी मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए मेरी। इतना कहकर अमोदिता दरवाजे की दहलीज को पार कर लेती है और वहां से चली जाती है। अमोदिता के जाते ही युग अभिमन्यु से पूछता है, अब बताएगा कि क्यों गया था तू रोंका मुचा गांव। अभिमन्यु फटाक से जवाब देता है, हाँ बताता हूँ, देख तुझे पता है ना कि बिंदु ने हमें बताया था कि जो सौदाइन होती है उनके पैर के अंगूठे का नाखून नहीं होता है। युग अभिमन्यु की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ बताया था तो उसने ये भी बताया था कि आसपास के गांव की सारी औरतें वांगला त्योहार में आएंगी, तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उनमें से कौन सी औरत सौदाइन है। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या आइडिया है तेरे पास। अभिमन्यु युग को अपना आइडिया बताते हुए कहता है, तो सुन आइडिया कुछ इस प्रकार है कि अभिमन्यु युग को पूरी बात बता देता है कि उसके पास सौदाइन के बारे में पता करने का क्या आइडिया है। सब कुछ सुनने के बाद युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, तुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा। अभिमन्यु युग को भरोसा दिलाते हुए कहता है, अरे 100% काम करेगा, तू जानता नहीं ये गांव की औरतों को, इन्हें फ्री की चीजें कितनी पसंद होती हैं। बस एक बार ये कायर और कछुआ भी आ जाए तो उन्हें भी प्लान समझा दूंगा, फिर तू देखना कल कैसे बांग्ला त्योहार में सौदाइन का पता चलता है। इस तरफ हवेली के अंदर रजनी अपने कमरे में तंत्र मंत्र यंत्र की किताब पढ़ रही थी। रजनी की एक नजर किताब पर थी तो दूसरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर। वो बार बार किताब पढ़ते जा रही थी और घड़ी की तरफ देखते जा रही थी। रजनी किताब के पन्ने पलटाते हुए कहती है, ये नालायक अमोदिता अभी तक आई क्यों नहीं, लगता है अभी तक युग का मन नहीं भरा होगा अमोदिता से, वो मेरी अमोदिता को छोड़ ही नहीं रहा होगा। चलो अच्छा है, बस एक बार ये युग की मेरी अमोदिता से शादी हो जाए, फिर देखना कैसे ये घर हथियाती हूं मैं, उस युग को तो पता भी नहीं है कि उसके पास कितनी दौलत है। इतना कहकर रजनी वापस से किताब पढ़ने लग जाती है, पर उसका मन बेचैन हो रहा था ये बात जानने के लिए कि अमोदिता अपने मकसद में कामयाब हुई होगी या फिर नहीं। रजनी खुद से बड़बड़ाती है, ये अमोदिता भी ना पूरी नालायक ही है, अगर इसे इतनी देर होनी ही थी तो एक फोन करके बता तो देती कम से कम, मैं उसकी इतनी फिक्र तो नहीं करती, पता नहीं ये युग के साथ कुछ कर भी पाई होगी या नहीं, या हमेशा की तरह बस शर्माते रह गई होगी। कुछ भी करके इसके अंदर की शर्म निकालनी पड़ेगी मुझे, वरना ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। रजनी अमोदिता के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अमोदिता की कराहते हुए आवाज सुनाई देती है, माँ माँ। जब रजनी पीछे मुड़ती है तो अमोदिता की हालत देखकर दंग रह जाती है। अमोदिता लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसके पैर पर क्रेप बैंडेज बंधी हुई थी। रजनी अमोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, ये तुझे क्या हो गया अमोदिता,
ये पैर में गर्म पट्टी क्यों बांध कर रखी है? तूने और युग ने मिलकर कुछ ज्यादा ही कर लिया क्या जो इतना लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है? अमुदिता उखड़े हुए लहजे में कहती है, माँ तुम्हें मेरी हालत देखकर लग रहा है क्या कि मेरे और युग जी के बीच में कुछ हो पाया होगा? रश्मि हैरानी के साथ कहती है, अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? वहां पर क्या गप्पे मार रही थी जो आने में देर हो गई, या फिर घर पर आकर काम करना पड़ेगा इसलिए ये पैरों में पट्टी बांध कर आई है जानबूझकर? अमुदिता अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, कि तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें मेरी हालत देखकर लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? यहाँ पर मैं अपनी जान बचाकर आई हूँ और तुम हो कि कुछ भी बोले जा रही हो? रजनी हैरानी के साथ कहती है, जान बचाकर आई है मतलब? अमुदिता रजनी को सारी घटनाएं बता देती है जो भी उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी जाने के वक्त और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घटी थी। सब कुछ सुनने के बाद रजनी अमुदिता को घूरते हुए कहती है, मतलब तेरा ये कहना है कि पहले उस यक्षिणी ने तुझ पर काला झाड़ी जंगल में हमला किया और फिर ग्रेवयार्ड कोठी में? अमुदिता हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ और नहीं तो क्या? रजनी अमुदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, तू पागल हो रही है क्या? कहीं भांग वांग खाकर तो नहीं आ गई तू? ये कैसे हो सकता है? अमुदिता रजनी को अपनी बात पर विश्वास दिलाते हुए कहती है, माँ मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो यक्षिणी मेरे साथ क्या कर रही थी। मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। उसने मेरी सलवार उतार दी थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसके चंगुल से छूट गई, वरना पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। वो यक्षिणी मर्दों को तो अपनी हवस का शिकार बनाती ही है, साथ में औरतों को बनाना भी शुरू कर दिया। पता नहीं उसके अंदर ये कैसी हवस भरी हुई है जो मिटती ही नहीं। रजनी को अभी भी अमुदिता की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि यक्षिणी अमुदिता के साथ ऐसा कुछ कर सकती थी। रजनी अमुदिता की सारी बातों को नकारते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है अमुदिता, तू ही बता। यक्षिणी को तो खुद तेरे पापा और फूफा जी ने कैद किया था, फिर वो तेरे साथ ये सब कैसे कर सकती है? जरूर तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अमुदिता अपनी बातों पर जोर देते हुए कहती है, माँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है, समझी? आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। अमुदिता कुछ सोचते हुए कहती है, माँ ये भी तो हो सकता है उस यक्षिणी को किसी ने आजाद कर दिया हो। अब रजनी को अमुदिता की बातों पर विश्वास होने लग गया था। वो अमुदिता की बातों को गौर से सुनने लग जाती है। अमुदिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ वो यक्षिणी तो आजाद हुई ही, साथ में युग जी पर जो हमने मिलकर टोना किया था ना, वो भी टूट गया। रजनी चीखते हुए कहती है, क्या? हाँ माँ, मैंने युग जी को इतने इशारे किए पर वो कुछ समझे ही नहीं। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है कि इन 2-3 दिनों में उन्होंने मेरे साथ क्या क्या बातें की और क्या क्या करने की कोशिश करी थी। एक और बात, कल युग जी मुझसे मिलने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी से निकले तो थे पर आए नहीं। सारी रात रोंकामुचा घाट में थे वो, पता नहीं वहां पर वो क्या कर रहे थे। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर युग तुझसे मिलने के लिए निकला था तो यहाँ पर आया क्यों नहीं? आखिर ये सब क्या चक्कर है? वही तो माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जो चीज़ हम हासिल करने वाले थे वो हमारी मुट्ठी से फिसलती जा रही है। अमुदिता तू शायद भूल रही है, हम सौदाइन हैं और सौदाइन इतनी आसानी से अपने हाथों से कोई चीज़ छूटने नहीं देती। अमुदिता समझ जाती है कि रजनी के दिमाग में कुछ न कुछ तो खिचड़ी ज़रूर पक रही थी। अमुदिता से रहा नहीं जाता और वो रजनी से पूछ ही लेती है, माँ अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रजनी जवाब देने की जगह अमुदिता से ही सवाल पूछ लेती है, कल क्या है अमुदिता? अमुदिता सोचते हुए कहती है, कल तो वांगला त्योहार है। रजनी गुस्से से कहती है, वो तो मुझे भी पता है कल वांगला त्योहार है, पर कुछ और भी है, सोच जरा। अमुदिता अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहती है, कल क्या है माँ, कहीं तुम्हारे और पापा की शादी की सालगिरह तो नहीं है? रजनी अमुदिता पर दहाड़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, तुझे शादी के अलावा कभी कुछ और सोचता नहीं क्या? जब देखो तब शादी की रट लगाती रहती है। अमुदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ तुम ही बता दो ना कल क्या है, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? रजनी जवाब देती है, कल अष्टमी है और कल रात हम वो करने वाले हैं जो मैं करना नहीं चाहती थी, पर लगता है वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। अमुदिता लंबी आह भरते हुए कहती है, माँ तुम क्या करने का सोच रही हो? रजनी अमुदिता की बात पर ध्यान नहीं देती और खुद से बड़बड़ाती है, उससे ही सारे सवालों के जवाब मांगने पड़ेंगे, उसे बुलाना ही पड़ेगा। अमुदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ ये तुम क्या बकबक कर रही हो, किसे बुलाने की बात कर रही हो? रजनी जवाब देती है, कर्ण पिशाचिनी को। अमुदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, माँ कहीं तुम कर्ण पिशाचिनी साधना की बात तो नहीं कर रही हो जिसके बारे में तुमने मुझे उस दिन बताया था? हाँ मैं उसी साधना की बात कर रही हूँ, कल रात हम कर्ण पिशाचिनी साधना करेंगे। पर माँ तुम तो कह रही थी कि ये बाद में करेंगे, इसे करना बड़ा मुश्किल है और इसे तो अमावस्या या पूर्णिमा को किया जाता है ना?
हाँ पर लगता है कल ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें कल ही जानना पड़ेगा कि आखिर यक्षिणी आज़ाद हुई है या नहीं, और ये भी कि युग का वशीकरण किसने तोड़ा है। कौन है जो युग और तेरे बीच में आने की कोशिश कर रहा है? कर्ण पिशाचनी के पास सारे सवालों का जवाब रहता है, वो हमें सब कुछ बता देगी। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, माँ उसे सच में सब पता होता है? हाँ पागल सब कुछ, कल रात तैयार रहना। एक और चीज, तू एक सौदाइन है और सौदाइन को ये अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या सब तारीखें याद होनी चाहिए। इसका उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है। यही वो दिन होते हैं जब हम जादू टोना करके सिद्धियां हासिल करती हैं, समझी? हाँ समझ गई माँ, आगे से याद रखूंगी ये सब तारीखें। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में रात के 8 बज गए थे। कायर और कछुआ वांगला त्योहार के लिए डांस में पहनने के लिए सबके कपड़े लेकर आ गए थे। युग और अभिमन्यु वो कपड़े देख रहे थे। कछुआ अभिमन्यु को उसके कपड़े दिखाते हुए कहता है, ये देख अभिमन्यु, ये तेरे लिए है, कैसे लगे तुझे? अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, कैसे लगे क्या पूछ रहा है, सभी एक जैसे ही तो हैं। युग लुंगी उठाते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये पहनना पड़ेगा क्या? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, ये पारंपरिक पोशाक है, यही पहना जाता है उस दिन, और सबको पहनना पड़ता है ताकि सब एक जैसे दिखें। युग अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, यार मैं अपने नॉर्मल कपड़े पैंट शर्ट ही पहन लेता हूँ ना, मैं थोड़ी गांव का आदमी हूँ जो मुझे ये पहनना कंपलसरी है। अभिमन्यु फटाक से बोलता है, अरे ये कैसी बातें कर रहे है तू, तेरा तो इस गांव से बहुत पुराना संबंध है, भूल मत तू इसी गांव का है और 13 साल बाद आया है, तो देख भी लेना वांगला त्योहार कैसे मनाया जाता है। कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, सही कहा अभिमन्यु ने, तुझे ये पारंपरिक पोशाक पहननी भी पड़ेगी और साथ में डांस भी करना पड़ेगा। युग मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, डांस करना पड़ेगा? कछुआ बीच में बोल पड़ता है, हाँ युग वो भी कपल डांस, दिन में वांगला त्योहार बनाया जाएगा और रात में डांस होंगे जिसमें लड़के और लड़कियां आपस में मिलकर डांस करते हैं। ये कायर तो बिंदु के साथ कपल डांस की प्रैक्टिस भी करके आ गया, तभी तो हमें आने में देर हो गई, वरना हम तो कपड़े लेकर कब के आ गए थे। बस मुझे ही कपल नहीं मिला तो सोचा अपनी वर्चू से पूछूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई, और कोई लड़की मेरे साथ डांस भी नहीं करना चाहती। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मतलब कल तू भी मेरे साथ रहेगा। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यार यहाँ पर मुझे कोई लड़की नहीं मिली और तू खुश हो रहा है, और तू भी मेरे साथ रहेगा का मतलब? अभिमन्यु कछुए को समझाता है, मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि कल वांगला त्योहार में जो मेला लगेगा उसमें हमें बहुत जरूरी काम करना है। कछुआ झट से बोल पड़ता है, कैसा जरूरी काम? अभिमन्यु जवाब देता है, कल हम मेले में सौदाइन का पता लगाएंगे। कछुआ बौखलाहट के साथ पूछता है, सौदाइन का पता लगाएंगे पर कैसे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ घबराते हुए पूछता है, सौदाइन का पता लगाएंगे पर कैसे? अभिमन्यु कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, देख कल गांव में मेला लगने वाला है ना, तो उस मेले के अंदर अपन दोनों। अभिमन्यु कछुआ और कायर को बता देता है कि उसने क्या प्लान बनाया था। पूरा प्लान सुनने के बाद कछुआ अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या, मैं ये सब नहीं करने वाला, मुझे ये करना नहीं आता। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है, अरे आसान है यार, मैं सिखा दूंगा, और तू झूठ क्यों बोल रहा है, मुझे अच्छे से पता है कि तुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है, बचपन में तू यही किया करता था। कछुआ अपनी सफाई देते हुए कहता है, वो बचपन की बात थी यार, पर अब मैं वो भूल गया हूँ। कछुआ अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, तुम लोग फिर सौदाइन के पीछे पड़ गए? मैंने कहा ना सौदाइनों को कुछ नहीं पता होता, तुम बेवजह अपना वक्त गंवा रहे हो। अभिमन्यु कछुए पर शक करते हुए पूछता है, तुझे कैसे पता कि सौदाइनों को कुछ पता नहीं होता है, तू क्या उन्हें जानता है? कछुआ अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता, बस अपनी नजरें यहाँ से वहाँ घुमाने लग जाता है। अभिमन्यु अभी भी कछुए पर शक करते हुए उससे बोलता है, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे हम सौदाइन के पीछे नहीं तेरे पीछे पड़े हुए हैं। कायर समझ जाता है कि मामला गर्म होने वाला है, इस टॉपिक को लेकर पहले भी कछुए की सबसे बहस हो चुकी है,
इसलिए वो बात को बदलते हुए कहता है, यार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, फिर शुरू हो गए? और कछुए कैसे कर रहे है तू? दे देना अभिमन्यु का साथ, कर देना उसकी मदद जो वो बोल रहा है। मैं तो सोने जा रहा हूँ, कल बिंदु के साथ डांस भी तो करना है। वैसे युग, तू किसके साथ डांस करने वाला है कल? युग जवाब देता है, मैं किसके साथ डांस करूंगा, मेरे पास भी तो कोई नहीं है। लगता है मुझे कल अभिमन्यु और कछुए के साथ ही रहना पड़ेगा, सौदाइन को ढूंढने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। कायर कपड़ों को पॉलीथीन में भरते हुए कहता है, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे पास तो दो दो ऑप्शन है डांस करने के लिए, पहला मोदिता और दूसरी वो तेरी यामिनी, उन दोनों में से किसी एक के साथ कर लेना। युग कहता है, अरे अमोदिता के पैर में मोच आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ डांस कर पाएगी। कायर फिर बोल पड़ता है, तो क्या हुआ, यामिनी का ऑप्शन भी तो है ना तेरे पास, उसी बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है उसकी, जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है यामिनी जिसकी तारीफ करते तू थकता नहीं है। युग यहाँ वहां देखते हुए कहता है, मैंने कहाँ करी उसकी कभी तारीफ। कछुआ युग की टांग खींचते हुए कहता है, बार बार उसका नाम लेना, उसकी तारीफ करना नहीं हुआ तो क्या हुआ, तू फोन लगा ना यार उसे और बोल दे कल आ जाना डांस करने। युग कछुए को मना करते हुए कहता है, उसका नंबर नहीं है मेरे पास। कछुआ शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा, नंबर नहीं है, तूने उसका नंबर नहीं लिया क्या? नहीं यार, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कछुआ युग को ताने मारते हुए कहता है, तू भी ना युग एक नंबर का पागल है, इतने दिनों से यामिनी से मिल रहा है पर तूने अभी तक उसका नंबर नहीं लिया। मैं तो किसी लड़की से मिलता हूँ ना तो पहली मुलाकात में ही उसका नंबर ले लेता हूँ और दूसरी मुलाकात में उसे गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। कायर कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कम फेंक बेटा, इतनी कि मैं लपेट पाऊँ, तुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है तू? कछुआ बड़बड़ाता है, मैं कहाँ फेंक रहा हूँ। कायर कछुए की बात पर ध्यान नहीं देता और युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो युग ये कछुआ बात ठीक कह रहा है, तू यामिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। वैसे मैंने यामिनी को देखा तो नहीं पर तुम दोनों के नाम का पहला अक्षर एक ही है, इससे पता चलता है कि तुम दोनों के बीच में गहरा प्यार होगा। कछुआ कायर की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग ये कायर सही बोल रहा है, तू यामिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, मस्त रहेगा। युग गुस्से के साथ बोलता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे, जब देखो बकवास करते रहते हो, ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड प्यार व्यार सब बकवास है, बस टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं, समझे तुम दोनों। इतना कहकर युग गुस्से से वहां से उठता है और अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। कायर युग को जाते हुए देखते हुए कहता है, ये युग को क्या हो गया अचानक से, अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, एकदम से इतना गुस्सा क्यों आ गया इसे। कछुआ भी बोल पड़ता है, हाँ यार मैंने आज तक युग को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। अभिमन्यु अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अब उसकी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखोगे तो वो तो गुस्सा करेगा ही ना, तुम दोनों की आरती थोड़ी उतारेगा। कायर अभिमन्यु से पूछता है, हमने कब उसकी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख दिया? अभिमन्यु जवाब देता है, तुम्हें शालिनी के बारे में पता है ना? कायर कुछ याद करते हुए कहता है, अरे वही ना जिसके बारे में युग ने एक बार बताया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर वो तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, तो वो उस बात पर इतना क्यों चिढ़ रहा है? क्योंकि शालिनी युग की एक्स गर्लफ्रेंड जरूर थी, पर अपना युग बहुत सीधा है, वो आज भी शालिनी से प्यार करता है, उसे आज तक नहीं भुला पाया है, आज भी उसकी फोटो अपने पर्स में लेकर घूमता है, पता नहीं क्यों, ये जानते हुए भी कि शालिनी उसे छोड़कर चली गई है, अब वो उसे नहीं मिलने वाली। कायर उदासी के साथ पूछता है, पर शालिनी ने युग को छोड़ा क्यों था? पता नहीं, युग ने कभी बताया नहीं, मैंने एक दो बार उससे पूछने की कोशिश की थी पर जब उसने बात को टाल दिया तो फिर मैंने दोबारा उससे नहीं पूछा, क्योंकि पुराने जख्मों को जितना खरोंचा जाता है वो उतना ही दर्द देते हैं। कछुआ भी उदासी के साथ कहता है, मतलब युग अब किसी से प्यार नहीं करेगा, वो जिंदगी भर अकेला रहेगा, उसे उसका पहला प्यार नहीं मिला तो। कायर कछुए को समझाते हुए कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कछुए कि यदि आपको आपका पहला प्यार नहीं मिले तो जिंदगी भर आप अकेले रहो। माना पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता है, पर जब आपको कोई दूसरा प्यार करने वाला मिल जाए जो आपको पहले प्यार करने वाले से भी ज्यादा प्यार करे, तब पहला प्यार अपने आप भुलाया जा सकता है। अभिमन्यु कायर कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, युग को उसका दूसरा प्यार मिलता है या नहीं वो बाद में देख लेंगे, पहले कल जो होने वाला है वो देख लें, और कल का सूरज देखने के लिए सबसे पहले सोना पड़ेगा। भूलो मत कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, कल बांग्ला त्योहार भी है, साथ में हम सौदाइन का पता भी लगाने वाले हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर कछुआ अपनी मुट्ठी भींचने लग जाता है। कायर युग के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, हाँ तू ठीक कह रहा है, कल तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है,
आखिर कल मैं अपनी बिंदु के साथ डांस जो करूंगा, उसके लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। कायर के पीछे पीछे ही अभिमन्यु और कछुआ भी युग के रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। अभिमन्यु, कछुआ और कायर गहरी नींद में सो चुके थे, पर युग अभी तक जाग रहा था। वो अपने कमरे में टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था और वहां पर फैले कागजों पर स्टार्टअप के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा था, पर लिख नहीं पा रहा था। लिखता भी कैसे, उसका मन बेचैन जो था। लिखने के लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। कछुए ने जब से गर्लफ्रेंड की बात छेड़ी थी, तब से ही युग को शालिनी की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्लफ्रेंड शब्द बोलकर कछुए ने शालिनी के साथ की उसकी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया था। युग को रह रहकर शालिनी की याद आ रही थी। अक्सर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम हमारी अतीत की सारी बुरी यादों को भुला बैठे होते हैं। उसी वक्त कहीं से एक मोड़ आता है, कोई सी ऐसी घटना घटती है जो आपके अतीत की सारी बुरी यादों के पन्नों को आपके सामने खोल कर रख देती है। आज युग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डांस के बारे में सोचकर उसे याद आया था कि उसने आखिरी बार डांस शालिनी के साथ किया था। तब से ही उसने किसी के साथ भी डांस नहीं किया था, वो उसका आखिरी डांस था। आज युग को उसका कमरा काटने को दौड़ रहा था। उसके शरीर में एक चुभन सी हो रही थी। वो एकांत चाहता था, एक ऐसी जगह जहां पर वो अपनी तन्हाइयों के साथ रो सके, जहां पर कोई उसे देखे ना। वही एकांत ढूंढने के लिए युग बिना किसी को कुछ बताए ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है, बिना इस बात की परवाह किए कि बाहर अंधेरे में उसकी जान को खतरा हो सकता है। पैदल चलते चलते युग बंगलामुड़ा घाट तक पहुंच जाता है। बंगलामुड़ा घाट पर युग को वो एकांत नजर आता है जिसकी वो तलाश कर रहा था। वहां पर किश्नोई नदी शांति के साथ बह रही थी, जिसके साथ युग अपने सारे गम बहाना चाहता था। युग घाट की रेत पर ही बैठ जाता है और बहती हुई किश्नोई नदी को देखने लग जाता है। शालिनी के बारे में सोच सोच कर उसकी आंखें नम हो गई थी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम किसी को दिल से भुलाना चाहते हैं पर भुला नहीं पाते, क्योंकि हमें पता होता है हमारे दिल में उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। युग के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो ना ही शालिनी का हो सकता, ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकता था। युग किश्नोई नदी को देखकर अतीत की यादों को याद कर ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दू मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दू। ये आवाज सुनकर युग का दिल दहक जाता है। अगले ही पल उसके मन से शालिनी का ख्याल चला जाता है। वो घबराते हुए खुद से कहता है, फिर वही आवाज, ये तो वही आवाज है जो बार बार मुझे सुनाई देती है। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसकी आवाज है। युग गौर से उस आवाज को सुनने लग जाता है जो कि उसके पीछे से आ रही थी। जब युग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक लड़की अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही थी। अंधेरा होने के कारण युग उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो लड़की अपने कदम युग की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब, बरसों से हूं जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के करार में। युग हकलाते हुए कहता है, ये यक्षिणी। वो लड़की जैसे जैसे अपने कदम युग के करीब बढ़ाते जा रही थी, युग के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। युग का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। युग की सांसें थम सी गई थी। वो इतना डर गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। 2 मिनट के अंदर ही उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। जब वो लड़की युग के पास पहुंचती है तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, यामिनी तुम? यामिनी हमेशा की तरह हंसते हुए कहती है, हाँ मैं युग बाबू, आपको क्या लगा यक्षिणी होगी? वो अभी नहीं आएगी, पर जल्द आने वाली है अपना शिकार लेने। युग यामिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसके मन में चल रहे सवाल उससे पूछने लग जाता है, अभी थोड़ी देर पहले गाना तुम गा रही थी? यामिनी अनजान बनते हुए पूछती है, कौन सा गाना युग बाबू? युग फटाक से बोलता है, तन बदन में आग लगा दू, ऐसा ही था कुछ समथिंग। नहीं युग बाबू, मैं तो ये गाना नहीं गा रही थी। पर आप अच्छा गा रहे हैं, गाइए ना। युग गुस्से से बोलता है, झूठ मत बोलो यामिनी, मैंने अच्छे से सुना था, जिस तरफ से तुम आ रही थी गाने की आवाज उसी ओर से आ रही थी। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए पूछता है,
बोलो यामिनी, वो गाना तुम ही गा रही थी ना? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, वो गाना मैं ही गा रही थी। एक और बात बताऊं आपको, ये गाना यक्षिणी गाया करती थी जब वो किसी मर्द को अपना शिकार बनाया करती थी। यामिनी की बात सुनकर युग के होश उड़ जाते हैं। युग बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए कहता है, क्या तुम यक्षिणी हो? यामिनी युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बस युग को घूरती रहती है। युग हक्का बक्का रह गया था, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यामिनी गंभीर स्वर में कहती है, हाँ युग बाबू, मैं ही यक्षिणी हूँ और मैं आपके साथ संभोग करना चाहती हूँ। युग यामिनी की बातें सुनकर दंग रह गया था, उसका चेहरा डर के कारण सफेद पड़ गया था। युग का चेहरा देखकर यामिनी जोर जोर से हंसने लग जाती है, उसकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। युग समझ जाता है कि यामिनी उसके साथ मजाक कर रही थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, क्या युग बाबू, आपको क्या मैं यक्षिणी दिखती हूँ? अगर मैं यक्षिणी होती तो अब तक आपके साथ संभोग भी कर चुकी होती, आपका दिल भी निकाल चुकी होती, साथ में खून भी पी चुकी होती। अभी आप मेरे साथ नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में होते। युग यामिनी से दो कदम पीछे हटते हुए कहता है, पर यक्षिणी तो सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को शिकार करती है ना, कहीं तुम उसी का इंतजार तो नहीं कर रही? यामिनी फिर युग के पास जाते हुए कहती है, क्या युग बाबू, आप भी ना कुछ भी सोचते हैं, मैंने आपको डराया क्या? आप तो कुछ ज्यादा ही डर गए लगता है। पर एक बात बताऊं, यक्षिणी अमावस्या और पूर्णिमा को शिकार करती जरूर थी, पर अब नहीं। अब नहीं का मतलब? यामिनी बात को दबाते हुए कहती है, उसका मतलब आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मतलब अभी तक जो भी कुछ तुमने बोला वो सब बातें सिर्फ एक मजाक थी, है ना? सब बातें नहीं युग बाबू, अक्सर जो बातें हम मजाक में कहते हैं उनमें से कुछ बातें सच होती हैं जो हमें मजाक के साथ ही कहनी पड़ती है, वरना अगर सीरियस होकर कह दी तो सामने वाले को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। युग कहता है, तो फिर तुमने जो बातें कही उनमें से कौन सी बात सच थी? यामिनी जवाब देती है, यही कि यक्षिणी शिकार करते वक्त यही गाना गाया करती थी, ये 100% सच बात है। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता ये बात? ये बात मेरे बाबा ने बताई थी। तुम्हारे बाबा बहुत कुछ जानते हैं यक्षिणी के बारे में, आखिर कैसे? क्या तुम मुझे अपने बाबा से मिला सकती हो? मुझे यक्षिणी के बारे में बहुत कुछ पूछना है उनसे। यामिनी झट से जवाब देती है, नहीं युग। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी, तुम मुझे अपने बाबा से क्यों नहीं मिला सकती? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी, तुम मुझे अपने बाबा से क्यों नहीं मिला सकती? यामिनी डरते हुए कहती है, क्योंकि यदि उन्हें पता चला कि मैं आपसे मिलती हूं तो। इतना कहकर यामिनी चुप हो जाती है। यामिनी के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। पहली बार युग यामिनी को किसी चीज से डरते हुए देख रहा था, वरना यामिनी वो लड़की थी जो अपनी अदाओं और बातों से अच्छे अच्छों को डरा देती थी। युग यामिनी के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, बोलो यामिनी, तुम चुप क्यों हो गई? यदि तुम्हारे बाबा को पता चला तो क्या? यामिनी युग का हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहती है, यदि मेरे बाबा को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे भी नहीं पता आखिर वो मेरा क्या हश्र करेंगे, शायद उसके बाद आप कभी मुझसे मिल नहीं पाएंगे। पर ऐसा क्यों यामिनी? क्योंकि युग बाबू, मेरे बाबा ने मर्दों से दोस्ती और उनसे मिलने के लिए मना किया। मर्दों से मिलने के लिए मना किया है, ये बात कुछ समझ नहीं आई। युग बाबू, मेरे बाबा कहते हैं मर्द इस दुनिया की वो शख्सियत है जिनकी हवस कभी भी जाग जाती है, और अपनी हवस मिटाने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना ही ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? युग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, यामिनी तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा? यामिनी नर्म लहजे के साथ जवाब देती है, लगता नहीं है, तभी तो मैं आपसे मिल रही हूँ अपने बाबा को बिना बताए। अब आप ना ये सब छोड़िए और ये बताइए, यहाँ पर सुनसान इलाके में क्या कर रहे थे, वो भी अकेले? आपको भी मेरी तरह अंधेरे में घूमने की आदत हो गई है क्या? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। वो यामिनी को नहीं बताना चाहता था कि उसका मूड ऑफ था शालिनी की वजह से। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी ही बोल पड़ती है, युग बाबू, आपको वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी की याद आ रही थी ना,
यहाँ पर नदी के पास बैठकर आप उसको ही याद कर रहे थे ना। युग यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता यामिनी? यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू आपके दिल की बातें मुझे नहीं पता होंगी तो किसे होंगी। आप आज भी उससे बहुत प्यार करते हैं ना, ये जानते हुए भी कि वो किसी और से प्यार करती है। युग यामिनी की बातें सुनकर दंग रह जाता है और शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता यामिनी? तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो शालिनी और मेरे बारे में? अरे युग बाबू आपने ही तो बताया था। मैंने बताया था पर कब? कल युग बाबू जब आप रोंगकमुचा घाट पर आए थे, भूल गए? आप और मैं झोपड़ी के अंदर थे, बाहर जोरों से बारिश हो रही थी और मछली खाने के बाद आप मुझे शालिनी के बारे में बता रहे थे। कह रहे थे आप उससे बहुत प्यार करते थे, वो भी आपसे ही प्यार करती थी। आपने सब कुछ बताया था सिवाय एक बात को छोड़कर। कौन सी बात यामिनी? यही कि आप और शालिनी अलग क्यों हो गए थे। आप इसका जवाब बताने ही वाले थे कि बातें करते करते कब आपकी नींद लग गई आपको पता ही नहीं चला, फिर मैं भी सो गई। चलिए कल तो नहीं बता पाए आप, तो फिर आज अभी बता दीजिए कि आखिर आप दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया था जो आपको अलग होना पड़ा। युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, चुपचाप खड़ा रहता है। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए पूछती है, अरे बताइए ना आप चुप क्यों हो गए? युग फिर कुछ जवाब नहीं देता है। युग का चेहरा देखकर यामिनी समझ जाती है कि युग शालिनी के बारे में अब कुछ बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी बात को घुमाते हुए कहती है, चलिए छोड़िए, आपको शालिनी के बारे में बातें नहीं करनी तो मत कीजिए। वैसे भी अब आपके दिल से वो शालिनी निकलने वाली है और आपके दिल पर अब मेरा राज चलने वाला है। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या कहा तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, मैंने कहा कल आप वांगला त्योहार में किसके साथ डांस करने वाले हैं? युग उदासी के साथ कहता है, किसी के साथ नहीं, कोई मिला ही नहीं डांस करने के लिए। सोच रहा हूँ कल ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहूं, कहीं ना जाऊं। अरे नहीं युग बाबू जाइए, त्योहार में जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा वहां पर जाकर। युग यामिनी की बात का जवाब देना छोड़ता है और उससे अपने ही मन का सवाल पूछ लेता है, वैसे यामिनी तुम किसके साथ डांस करने वाली हो? यामिनी नर्म लहजे के साथ जवाब देती है, किसी के साथ नहीं युग बाबू, मुझे भी आपकी तरह कोई मिला ही नहीं साथ में डांस करने के लिए। इस वक्त युग और यामिनी दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ डांस तो करना चाहते थे पर एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। जब युग कुछ नहीं बोलता तो यामिनी ही युग से बड़े प्यार से पूछ लेती है, युग बाबू क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? युग के मन में आ तो रहा था कि वो यामिनी को डांस के लिए हाँ बोल दे, पर बार बार उसे शालिनी की यादें किसी दीमक की तरह खाए जा रही थी। कई बार हमारे अतीत में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे हम जब दोबारा दोहराते हैं तो दोहराने से पहले कतराते हैं, हमें लगता है कि कहीं फिर वही सब ना हो जाए जो पहले हुआ था। युग को आज भी याद है कि डांस के दौरान ही वो और शालिनी अलग हुए थे। यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, अरे युग बाबू कहाँ खो गए आप, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप मेरे साथ डांस करेंगे या नहीं? जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी युग का जवाब समझ जाती है और उदास होते हुए कहती है, ठीक है यदि आप मेरे साथ डांस नहीं करना चाहते तो कोई। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उसे बीच में ही टोकते हुए बोलता है, अरे मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ। युग की बात सुनकर यामिनी खुश हो जाती है, वो खुशी से फूले नहीं समाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस मकसद से घाट पर आई थी उसमें वो कामयाब हो गई थी। युग ने यामिनी को डांस के लिए इसने हाँ बोल दिया था क्योंकि वो भी यामिनी को धीरे धीरे पसंद करने लगा था, यामिनी उसे पसंद आने लग गई थी। एक जादू था यामिनी में जो वो धीरे धीरे उसका होते जा रहा था। यामिनी हिचकिचाते हुए युग से पूछती है, युग बाबू आपको डांस करना तो आता है ना? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम यामिनी, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं अपने कॉलेज का नंबर वन डांसर। सच में युग बाबू? हाँ रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर युग अपना एक हाथ यामिनी की मक्खन की तरह मुलायम कमर पर रखता है और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर डांस करने की कोशिश करने लग जाता है। पहले तो यामिनी युग को कुछ देर तक एकटक नजर से देखती रहती है, जैसे उसे भी युग का उसके बदन को स्पर्श करना पसंद आ रहा था। पर थोड़ी देर बाद जब युग उसके साथ डांस करने लग जाता है और अपने कदम यहाँ वहाँ बढ़ाने लग जाता है तो यामिनी अपने आप को रोक नहीं पाती और जोरों से हंसने लग जाती है। यामिनी को हंसता हुआ देख युग मायूस हो जाता है, झट से डांस करना बंद कर देता है और अपना हाथ यामिनी की कमर पर से हटा लेता है। युग मायूसी के साथ कहता है, क्या हुआ यामिनी तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हें मेरा डांस पसंद नहीं आया क्या? यामिनी युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती है और अपना हंसना जारी रखती है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, यामिनी तुम हंसती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी,
तुम्हें मेरा डांस इतना बुरा लगा क्या? तुम अपनी हंसी तक नहीं रोक पा रही हो। यामिनी अपना हाथ अपने मुंह पर रखते हुए और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, युग बाबू आपका डांस तो ठीक था, पर ये डांस आपके शहर में चलता होगा, यहाँ पर नहीं चलने वाला। यहाँ पर पारंपरिक डांस चलते हैं। कैसे पारंपरिक डांस यामिनी? देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। हमारे मेघालय में अलग अलग डांस होते हैं जो अलग अलग उत्सव पर किए जाते हैं। उनमें से ही एक है नोह के जोत। क्या कहा? नोह के जोत? हाँ, ये जो डांस होता है वो उत्सव शुरू होने से पहले किया जाता है, जो एक प्रकार का धन्यवाद देने का प्रकार होता है। एक होता है मस्तिया, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, जिसमें नर्तक तलवार और सिंफिया रखते हुए उचित हाव भाव और मुद्रा में डांस करते हैं। युग यामिनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, ये सिंफिया क्या होता है यामिनी? यामिनी फटाक से जवाब देती है, सिंफिया सफेद बालों से बना एक ब्रश होता है। मस्तियाह नृत्य में एक प्रकार से लड़ाई या द्वंद का प्रदर्शन करते हैं। शाद पायलून, शाद वेटब, शाद नग, शाद थामा, शाद इयंती, ये जो नृत्य होते हैं ये तलवार के साथ ही किए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ सारे नृत्य तलवार के साथ ही होते हैं क्या? नहीं युग बाबू, ऐसा नहीं है। आपको पता है हमारे मेघालय में तो कृषि नृत्य भी होते हैं। कृषि नृत्य? कैसे कृषि नृत्य? मैं कुछ समझा नहीं, यामिनी जवाब देती है। कृषि नृत्य वो नृत्य होते हैं जो खेतों में किए जाते हैं, जिनमें खेती के विभिन्न चरणों को दर्शाया जाता है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा यामिनी। मैं समझाती हूँ युग बाबू आपको अच्छे से। देखिए एक होता है तुहाली नृत्य, जिसमें चावल की सिंचित भूमि के मेड़ों या समतल रेखाओं का निर्माण करने वाली महिलाओं का एक दृश्य बनाया जाता है, जहाँ आसपास के पुरुषों का एक समूह खेत की जुताई कर रहा होता है। एक होता है कृतकेबा नृत्य, इसके अंदर क्या होता है? कृतकेबा काम पर लगे पुरुषों और महिलाओं को उजागर करता है, जो फावड़े को गिराते हैं, जमीन पर मारते हैं, फिर वाघ और मुक्कर संगीत की धुन पर उठाते हैं। एक होता है लुरमासी नृत्य, इसमें गीत और नृत्य की एक श्रृंखला में जुताई के लिए बैलों को शामिल किया जाता है। युग यामिनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यामिनी तुम ये सब छोड़ो और उस डांस के बारे में बताओ ना जो हम कल करने वाले हैं। हाँ बता रही हूँ युग जी, अब आप पूछ रहे थे इसलिए बताने लग गए। कल गांव में शाद पायलू नृत्य होने वाला है, जो एक बड़ा सामूहिक नृत्य होता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों साथ साथ डांस करते हैं। इसमें महिलाएं धीमी गति से डांस करती हैं, क्योंकि वे अपने पैर की उंगलियों से रेंगते हुए नृत्य करती हैं, फिर तीन कदम आगे बढ़ती हैं और फिर खुद को एड़ी से पीछे ले जाती हैं। पुरुष तेज कदमों से अंदर बाहर आते जाते हुए महिलाओं के करीब आते हैं, इस कदम को जारी रखते हुए फिर से तेज भागते हैं। इस स्थिति को गोल घेरे में करते हैं। जब वे झुकते हैं तो अपनी सिंफिया को ऊपर उठाकर पकड़ते हैं, और जब ऊपर उठते हैं तो उसे लहरा देते हैं। समझे युग बाबू आप? युग मुंह बनाते हुए कहता है, कुछ कुछ। यामिनी हंसते हुए कहती है, आपके चेहरे से युग बाबू साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आया। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, करने पर ही समझ आएगा। रुकिए मैं अभी बताती हूँ आपको कि कैसे डांस करना है। इतना कहकर यामिनी युग का हाथ पकड़ती है और उसे डांस सिखाने लग जाती है। यामिनी युग का हाथ पकड़कर उसे डांस की एक एक मुद्रा सिखाई जा रही थी। जिस वक्त यामिनी युग को डांस सिखा रही थी, उस वक्त युग को उसके पास एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। वो सुकून जो उसे कहीं नहीं मिलता था, उसके पास मिल रहा था। अब उसका मन बेचैन नहीं था, शांत हो चुका था। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे युग बाबू कल शाद लक्ष्मी डांस भी हो सकता है। युग धीरे से कहता है, उसके अंदर क्या होता है यामिनी? यामिनी बड़े ही प्यार से जवाब देती है, उसके अंदर युग बाबू महिला और पुरुष एक दूसरे की कमर को बारी बारी पकड़कर डांस करते हैं। इतना कहकर यामिनी युग का हाथ अपनी कमर पर रखती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। युग भी यामिनी की कमर को कसकर पकड़ लेता है। डांस करते करते यामिनी और युग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वहीं पर ढेर सारे जुगनू भी आ गए थे, जो उनके पास काली रात में जगमग जगमग मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे युग और यामिनी के साथ वो जुगनू के झुंड भी डांस कर रहे थे। वो लम्हा जिसकी कामना हर प्रेमी जोड़ा करता है, वो लम्हा युग और यामिनी को मिल गया था। यामिनी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि ये रात कभी खत्म हो, पर डांस करते करते युग के पैर उसका साथ छोड़ने लग गए थे। अब वो थकने लग गया था। युग यामिनी को डांस करने से मना करते हुए कहता है, बस यामिनी अब कितना नचाओगी, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, कल डांस करने लायक छोड़ोगी या नहीं? यामिनी युग का हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहती है, कहाँ युग बाबू, अभी तो आपने डांस सीखा ही नहीं है। इतना कहकर यामिनी युग के साथ और डांस करने लग जाती है।
युग बड़े प्यार से यामिनी से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है, बस यामिनी हो गया, अब मैं और डांस नहीं कर सकता। जितना मुझे सीखना था उतना मैंने सीख लिया, उतना ही बहुत है, अब मुझे बख्श दो। युग के कहने पर यामिनी उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, ठीक है युग बाबू, आप कह रहे हैं तो मैं आपको बख्श देती हूँ, वरना मेरा इरादा तो आपके साथ सुबह तक डांस करने का था। युग यामिनी के साथ मजाक करते हुए कहता है, और क्या क्या इरादे हैं तुम्हारे यामिनी? यामिनी बड़ी चालाकी के साथ कहती है, इरादे तो और भी बहुत सारे हैं युग बाबू, आप देखते रहिए मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ और आपको क्या क्या सिखाती हूँ, आप देखते रह जाएंगे। अच्छा, यामिनी बड़बड़ाती है, बकरी को हलाल करने से पहले उसे खिलाना पिलाना पड़ता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा तुमने यामिनी? यामिनी बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा अब मैं जाती हूँ युग बाबू, मुझे शिकार करने जाना है। युग एकटक नजर से यामिनी को देखने लग जाता है। युग कुछ सोच पाता उससे पहले ही यामिनी हंसते हुए अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, मछलियों का शिकार युग बाबू। युग भी हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है तुम जा सकती हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूंगा। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं नहीं युग बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैंने कहा ना मैं मछलियों का शिकार करने जा रही हूँ, अपने घर नहीं। युग उदासी के साथ कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तो इसलिए बोल रहा था अंधेरा बहुत हो चुका है, तुम अकेले कैसे नदी पार करोगी? युग बाबू आप शायद भूल रहे हैं, मुझे अंधेरा ही ज्यादा पसंद है, ये अंधेरा ही मेरा हमसफर है। अच्छा अब मैं जाती हूँ, वरना बातों का क्या, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। इतना कहकर यामिनी ने वहां से जाने के लिए अभी अपने 2-3 कदम ही बढ़ाए थे कि युग यामिनी को टोकते हुए कहता है, 2 मिनट यामिनी रुको। यामिनी पीछे पलटते हुए कहती है, क्या हुआ अब युग बाबू? यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है यामिनी के प्यार का जादू चल गया, शिकार जाल में फंस गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।